हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये बैक पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये बनाने के लिए मैंने देखिए, ये यहाँ से ये जो मैंने सब आपको इंची टेप से नाप के दिखा दिया था कि ये कितनी चौड़ाई है, इसकी कितनी लंबाई है, ये मैंने कैसे घटाया है, शोल्डर पे कितने फंदे रखे हैं, ये इसलिए भी बैक पार्ट बनाना ज़रूरी हो जाता है कि इससे हमें टोटल फंदे का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास कितने फंदे हैं, हम शोल्डर पे कितना रखें और बैक में कैसे घटाएं, बैक हमारा कितना डीप आएगा। तो ये सब अंदाज़ा हम बैक पार्ट पहले तैयार करने से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है बैक पार्ट बनाना कि फ्रंट हमारा, ये देखिए इसमें ओपन है। अगर ये ओपन नहीं भी रहता, अगर ये वाला गला नहीं रहता जो टी शर्ट गला मैं बना रही हूँ, तो भी मैं बैक पार्ट पहले बनाती हूँ। इससे मुझे ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये मेरी इस स्वेटर की लंबाई कितनी आ रही है, या मैं छोटे की बनाऊँ या बड़े की। तो इससे आगे अगर मैं वी गला बना रही हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं गोल गला बना रही हूँ तो मैं कहाँ से घटाऊँ कि मेरा ये गला परफेक्ट आए। और ये जो टी शर्ट गला है और जो राउंड गला है, वो दो तरह से घटता है। टी शर्ट गला हम थोड़ा सा और ऊपर से घटाते हैं, और जो गोल गला है वो हम नीचे से घटाते हैं, क्योंकि उसमें खुला नहीं रहता है और सर में आराम से जाए, इसके लिए हम गोल गला उस हिसाब से घटाते हैं। तो उसके लिए भी हमको ये लंबाई जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये मेरी लंबाई तैयार होने के बाद कितनी आ रही है। तो हम यहाँ से गोल गला घटाएँ कि यहाँ से घटाएँ, किस तरह से घटाएँ, तो ये हमको बैक पार्ट पूरा तैयार करने के बाद पता चल जाता है। अब ये फ्रंट पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, तो ये देखिए, ये बबल मैंने यहीं पे बनाने के बाद छोड़ दिया था। मैंने ये ऊन अभी कट नहीं किया था कि मैं जब बॉर्डर इधर से बिनने के बाद जब प्लेन बिनूंगी तो मैं इसको काट लूँगी। अब इसमें कुछ नहीं करना है सिवाय बॉर्डर के। तो अब देखिए, दोनों तरफ से हम इसको सादा सादा बिनेंगे, और फिर क्योंकि ये घट चुका है, ये देखिए ये टोटल घट चुका है 3 2 1। अब यहाँ से ऊपर तक हमारी जो है, यहाँ से ऊपर तक टोटल 40 सिलाई बनी हुई है। अब यहाँ पे आप चाहें तो, जैसा कि मैंने बताया, ये इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे और इसके बाद फिर हम इसको बिनना शुरू करेंगे। तो इधर वाली पट्टी में तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो हमारी बाद वाली पट्टी है, बॉडी के राइट साइड की पट्टी, उसमें हम बटन होल बनाएंगे। तो उसके लिए अभी मैं ये 2 सिलाई और बिन लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे ये 6 सिलाई हो चुका है। 2 सिलाई और बिनने के बाद फिर मैं अगले सीधे में यहाँ पे बटन होल बनाऊँगी, ये कट कर दूँगी। तो अगले सीधे में जब मैं फिर आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि बटन होल कैसे बनाते हैं। तब तक ये हम ऐसे दोनों तरफ से, जैसे हम बिन रहे हैं सीधा उल्टा प्लस इसका बॉर्डर, वो बिन लेते हैं। ये देखिए, अब दोनों जो हमारा ये डिवाइड हो गया है बटन पट्टी से, दोनों पार्ट वो हमारे अब एक सिलाई पे हो चुके हैं, तो इसको बिनने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, यहाँ से ये बॉर्डर ऐसे 6 फंदे का मैंने बॉर्डर बिना है। आप अगर बॉर्डर नहीं बिन रही हैं, अगर कोई दूसरा स्वेटर बना रही हैं, आप उसमें इसको ये उल्टा उल्टा भी बिन सकती हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये इसको यहाँ छोड़ दीजिए। यहीं से अब ये हमारा दूसरा जो ऊन है, इससे पहला फंदा हम उतार के ऊन आगे करके फिर हम दूसरे फंदे से बिनाई करेंगे। ये दोनों किनारों पे करना है, बटन पट्टी के लिए भी, किनारे के लिए भी। पहला फंदा हमको उतार लेना है इस तरीके से। ये देखिए, हमारे स्वेटर की बिनाई हो रही है। तो ये इस तरह से, अब ये जो हमारा ये बबल था यहाँ पे, इसको दोनों फंदों को हम ऐसे बिनने के बाद फिर हम इसको हल्का सा खींच के और कट कर देंगे, और इसको भी हम गांठ लगा देंगे। ये हमारा डिज़ाइन का पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब इसके बाद मैं उल्टा बिन लेती हूँ। पूरा उल्टा बिनने के बाद फिर अगले सीधे में जब मैं यहाँ आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि बटन होल कैसे बनेगा। ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट सीधे में आ चुकी हूँ। मैंने हाफ पार्ट बिन लिया है बॉर्डर का। ये 8 सिलाई पूरा हो के 9वां सिलाई है, लेकिन पल्ले का घटाने के बाद से ये 3री सिलाई है। यहाँ पे देखिए, ये घटाने के बाद ये 2 सिलाई हो चुका है, क्योंकि देखिए सिर्फ एक केबल ये दिख रहा है। ये घटाने के बाद अगर आप देखें तो ये पहले वाले को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ये उल्टा सिलाई आने के बाद इसको नहीं काउंट करेंगे,
लेकिन ये काउंट करेंगे। तो ये अभी हमारा दो सिलाई पूरा हो चुका है, ये मेरा तीसरा सिलाई है। तो अब देखिए, पहला फंदा उतारा उल्टा, फिर ये सीधा, तीन फंदा बिन लिया। अब ऊन आगे करके एक ये उल्टा और एक ये सीधा, इन दोनों को हम साथ में ऐसे बिन देंगे। देखिए यहाँ पे ये जाली पड़ गई, यही जाली हमारी बटन होल होती है। अब ऊन आगे और फिर बाकी की बिनाई अब वैसे ही। ये हमारी तीसरी सिलाई है और फिर मैं लगभग 12 सिलाई बिनने के बाद फिर आगे का गला घटाऊंगी। यानी ये तीसरी सिलाई है, 12 सिलाई जब मेरा हो जाएगा फिर मैं अगर देखूंगी मुझे लंबाई ठीक लगेगा तो मैं उतने पे घटा दूंगी या फिर एक दो सिलाई और बिनूंगी। तो अब ये तीसरी सिलाई लेके मैं पहले 12 सिलाई बिन लूँ, फिर हम इसका गला घटाएंगे। वो गला हम कैसे घटाएंगे फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 12 सिलाई बना लिया है। ये देखिए यहाँ पे एक बटन होल बन चुका है और अब अगला बटन होल जब हम गले की पट्टी बनाएंगे तब बनाएंगे। ये देखिए 12 सिलाई, यहाँ से देखिए ये 3 2 1 घटने के बाद ये जो पहला वाला ये केबल आता है इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 केबल है। तो ये हमारा टोटल 12 सिलाई हो गया। अब हम इसको यहाँ तक बिन लेते हैं, ये हाफ बिनने के बाद, ये पट्टी बिनने के बाद फिर इसका गला घटाएंगे। तो ये मेरी 13वीं सिलाई है, तो अब इसमें हम गला घटा रहे हैं। तो ये पहले इतना बिन लिया जाए। देखिए ये मैंने ये बिन लिया है। अब ये पट्टी बिनने के बाद अब हम इसका गला घटाएंगे। तो गला घटाने के लिए देखिए बैक पार्ट में मेरा 18 फंदे थे वो हम पहले गिन लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, फिर 3 2 1 जो हमने घटाया है, 3 2 1। अब देखिए बचा यहाँ तीन फंदा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें रख लिया है पट्टी में, तो हमारे 3 फंदे ही सिर्फ बचे। तो अब हम यहाँ पे घटाएंगे 3 3 2 1 करके 4 बार में। तो अब देखिए ये बॉर्डर बिनने के बाद बॉर्डर बिन लिया, ये उल्टा हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 फंदा हमने घटा लिया। फिर हम बिन ले जाएंगे पूरा सीधा और यहाँ घटाने तक। सीधा बिन के यहाँ उल्टा तक हम आते हैं। देखिए उल्टे पे हम आ गए हैं और अब इन फंदों को हम पिन पे उतार लेंगे। 2 पिन चाहिए हमको दोनों बॉर्डर के पट्टी के लिए। ये फंदे हम जब गला बनाएंगे तो साथ में फिर उठा लेंगे। देखिए इसको इस तरह से करके ये हटा दीजिए। अब इधर का पहले बॉर्डर हम बिन लेंगे क्योंकि ऊन हमारा यहाँ है। तो पहला फंदा उतार के ऊन पीछे और जैसे हम बॉर्डर बिन रहे हैं ये देखिए बॉर्डर बन गया। अब हमको इधर से फंदा घटाना है। तो अब इधर जो है हमारा देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 के बाद 3 2 1 के बाद हमारे पास 2 ही फंदा बचा क्योंकि ये इक्वल फंदे थे नहीं, एक तरफ कम था एक तरफ ज़्यादा। तो अब इस तरफ हम घटाएंगे 3 2 2 1 करके क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 3 घटाया है। तो इधर भी हम 3 घटाएंगे स्टार्टिंग में, फिर हम 2 2 1 करके घटाएंगे। इधर का देखिए मैं नॉर्मल ऐसे 2 फंदे का 1 फंदा कर लेती हूँ, फिर इसको इस पर चढ़ाइए। इस तरह से हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 फंदे घट गए। अब इसको भी पूरा उल्टा बिन के फिर यहाँ तक सीधा बिन लेते हैं। ये देखिए अब इधर भी ये हमारा लास्ट हो गया। अब इस फंदे को इस तरफ से हम उठा लेंगे, इधर के फंदे को हम इधर से ऐसे उठा लेंगे।
ये देखिए, अब इन फंदों को छोड़ देंगे और अब हमारे इन सिलाई के फंदों की बिनाई होगी, पट्टी हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए इधर क्योंकि एक्स्ट्रा फंदा है इसलिए हम 3 घटाएंगे, उस तरफ एक फंदा कम था तो हम 2 2 1 घटाएंगे, इधर 3 2 1 घटाएंगे, ये इस तरह से देखिए। तो अब इस तरह से घटाने के बाद फिर हम अपनी पूरी लंबाई पूरी होने के बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हो गया 3, फिर 2 1, अब इधर भी 2 2 1 करके हम ये घटा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे फंदे इस सिलाई में घट गए हैं। अब मेरे दोनों शोल्डर के 18 18 फंदे इस पे बचे हैं। अब इनकी मैं सिर्फ सीधी बिनाई करूँगी, सीधी उल्टी। अब ये देखिए मैंने जो उसमें बताया था कि मैंने 40 सिलाई बिना है, तो ये यहाँ से मेरे 20 सिलाई हो चुके हैं, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब अगले 20 सिलाई में हमारी ये इसकी शोल्डर की लंबाई पूरी होगी, ये जो हमने स्लीव घटाया इसके बाद। तो मैं 19 सिलाई बिन के 20वीं सिलाई में ये शोल्डर ज्वाइन करूँगी। तो पहले मैं 19 सिलाई बिन लेती हूँ, फिर 20वीं सिलाई में हम इसको कैसे जोड़ेंगे और उसके बाद कैसे उतारेंगे ये मैं बताऊँगी। तो ये मेरी 20 सिलाई हो चुकी है और अगली 20 सिलाई मुझे बनानी है। तो ये मेरे कंधे घट चुके हैं, सॉरी गला घट चुका है और ये कंधे के 18 18 फंदे हैं। अब इन्हीं को मैं सीधा उल्टा सिर्फ बीनूँगी लंबाई पूरा होने तक। तो पहले इसको बना लेते हैं। ये देखिए ये मेरी अब यहाँ पे लास्ट वाली 20वीं सिलाई है, यानी कि टोटल मैंने 39 सिलाई बिनने के बाद अब ये 40 जो सिलाई हमारी जो 40वीं सिलाई है वो हमारा उल्टा है। तो अब इस वाले पल्ले को उठाइए, दोनों को देखिए, दोनों का सीधा पार्ट अंदर की तरफ है, ऐसे रखिए और दोनों को ही हम बिन लेंगे। ये देखिए अब ये बैक पार्ट का पहला फंदा हम उतार लेंगे, फ्रंट का भी पहला फंदा उतार लेंगे। अब बैक से हम सिर्फ फंदा उतारते जाएंगे और फ्रंट का हम इस तरह से बिनते जाएंगे। देखिए ऐसे उतारिए और ये बिनिए इस तरीके से। अब हम दोनों पल्लों को उतार लेंगे, पहले एक सिलाई पे कर लेंगे और इसके बाद हम शोल्डर को जोड़ देंगे। ये देखिए ये मैंने कई वीडियोस में अपने बताए हैं अपने पहले चैनल पे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। कई स्वेटर में इस तरह से बहुत ईजी से हम एक संग दोनों काम कर लेंगे, ये हम उतार भी ले रहे हैं और बिन भी ले रहे हैं। इस तरफ का जो लास्ट हमारा सिलाई बचता है वहाँ पे पीछे का ये उतारा और आगे का इस तरह से ये हम इसको बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से इस तरफ वाला भी कर लेंगे, इसको इधर कर दीजिए पीछे और ये देखिए ऐसे ही इसको उतारिए, पहला फंदा ये उतारिए, फिर इसको उतारिए, फिर अब इधर का हम ये बिनते जाएंगे। तो इसको भी अब उतार लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब एक सिलाई हम हटा देंगे और अब इस तरफ से ये देखिए जब हम इस तरह से फंदा उतार लेते हैं तो आप इसको फैलाइए, देखिए ये दो दो के सेट में हमारे सारे फंदे हो जाते हैं। तो अब हम इसको उतार लेंगे। सबसे पहले देखिए ये दो फंदे एक साथ, अब देखिए सारे दो दो एक संग आते जाएंगे। आप ये वाला इस पर चढ़ाइए और ये तीन तीन फंदे अब हम एक संग बंद करते जाएंगे, ये वाला और ये दो, ये इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। इसको टाइट नहीं करना है, लूज़ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे आपके हाथ की बिनाई है, जैसे पूरी बिनाई आपने की है उसी तरीके से इसको हम ऐसे उतार लेंगे। देखिए देखिए इस तरीके से हम इसको उतार लेंगे। अब आप करेंगे इस तरह से तो दो दो फंदे इसमें अपने आप आते चले जाते हैं। इन दो को इस पर से लीजिए, पहला हमारा ये जो उतारा हुआ फंदा है, तीनों को हम साथ में ऐसे करेंगे और फिर इसको ये देखिए ये लास्ट वाला ये देखिए ये हो गया। अब इसको टाइट करके ये खींच लीजिए और इसके बीच से हम गोला निकाल के ऊन कट कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि शोल्डर से हमें गला नहीं बनाना है तो हम इसको कट कर देंगे। आगे हमारा खुला हुआ है, अभी गला हमारा बनाना बाकी है,
ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम अच्छे से गांठ लगा देंगे। इसी तरीके से ये दूसरी तरफ का भी हम कर लेंगे। ये देखिए दो दो फंदे लेके इसको भी हम उतार लेंगे। ये देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दो फंदे से, फिर जो ये फंदा बचा इसको लेफ्ट वाली सिलाई पे चढ़ाइए और ये तीन तीन फंदे लेके हम इसको भी बंद कर देंगे। तो इसको भी अब हम उतार लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये भी लास्ट हो गया। अब इसको भी हम इस तरीके से देखिए इसको बड़ा करके इसके बीच में से ऐसे गोला निकालेंगे और इसको भी हम कट कर देंगे। और इसको भी आप अच्छे से डबल नॉट लगा दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा ये गले का भाग इतना बन के तैयार हो गया। देखिए अच्छा खासा लंबा ये स्वेटर बना है, जो मैंने आपसे कहा कि ये एक साल के बच्चे का है, लेकिन ये तीन साल तक का हमारा बच्चा आराम से पहन लेगा। तो अब देखिए ये और ये इतना पार्ट बन गया। अब इसके ऊपर गला हम जो बनाएंगे वो गले वाली सिलाई से बनाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब हम गला और आस्तीन, गले का फंदा गले वाली सिलाई से उठाएंगे और बनाएंगे, जो कि मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आस्तीन के लिए हम 40-40 फंदे इसी डार्क वाले से डाल के इतना ही 16-16 सिलाई दोनों का आप बॉर्डर तैयार कर लीजिए। तो फिर हम आस्तीन भी साथ में बना लेंगे। तो 40-40 फंदों का बॉर्डर बनेगा आस्तीन के लिए, और इसका फंदा मैं उठा के आपको बताऊँगी कि इसका फंदा कैसे उठेगा। तो दोस्तों देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कई जो चीज़ें हैं लोगों को नहीं पता है, जिसका मुझे बार बार रिक्वेस्ट आता है कि मैं सबको डिटेल में बताऊँ। तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊँ, जैसे कि मेरी जो दोस्तें हैं उनको समझ में अच्छे से आ जाए, जो बार बार मुझसे कहती हैं कि मैं इसको बिन के बताऊँ। ये गले के लिए, इस दोनों फेस के लिए बार बार मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मेरे व्हाट्सएप पर भी और ऐसे भी कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए ये मैंने इसको ऐसे बता दिया है। अब हम गला और आस्तीन अगले वीडियो में सीखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद ज़रूर आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में आपको बताती रहूँगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।